बिलखसूस मेरे असातिज़ा किराम, बिरादर मुकर्रम, मखदूम मुकर्रम जनाब मौलाना अब्दुल माजिद अवान साहब के हुक्म पर हाज़िर हुआ हूँ। तबीयत इंतहाई नसाज है, मुख्तसर सी हाज़िरी इंशाअल्लाह अज़ीज़। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, आप अलैहिस्सलाम का इस माह मुकद्दस के साथ और इस माह मुकद्दस का आप अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के साथ एक गहरा रब्त है। आप सुनते रहते हैं और मेरे बाद मुल्क पाकिस्तान की मारूफ़ मशहूर शख्सियात आपसे मुखातब होंगी। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा और शान कितनी बुलंद है कि रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से, आवाज़ नहीं आई बुलंद आवाज़ से, सल्लल्लाहु, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। जैसे मुझसे कबल बिरादर मुकर्रम मौलाना मरजानी साहब बता रहे थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रूहुल्ला ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अम्बिया और रसुल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकाम व मर्तबा अता किया। हर एक नबी का मकाम आला, हर एक रसूल का मकाम आला व अरफा, हर एक नबी का मकाम, हर एक रसूल की शान आला और अरफा है। लेकिन जो इमामुल अंबिया है, जो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है।